अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो हमें कानून बदल देना चाहिए। मैं बार बार इसको कह रहा हूं, हर चीज पे चर्चा हो रही है, मंदिर पे चर्चा हो रही है, लाउडस्पीकर पे चर्चा हो रही है, तीन तलाक पे चर्चा हो रही है, समान नागरिक संहिता पे चर्चा हो रही है, जनसंख्या सब 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 पे चर्चा हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही। ऐसा कोई देश विरोधी कार्य नहीं है जो बिना विदेशी फंडिंग के हो रहा है। अगर हम ऐसी व्यवस्था बना दें कि भाई 5,000 रुपए से महंगे सामान आप कैश ले ही नहीं सकते हो, आपको एटीएम पेटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से लेना है। सनातन संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण घटिया कानून। घटिया कानूनों की चर्चा ही नहीं होती। नमस्ते, क्या बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक हो सकती है? क्या समस्याओं की चर्चा करने से समस्याएं ठीक हो सकती हैं? ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी तब तक यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती। मिस्त्री बहुत अच्छा हो लेकिन अगर बिल्डिंग मटेरियल घटिया होगा, सीमेंट बालू सरिया, फिर अच्छा भवन नहीं बन सकता। इसी तरीके डॉक्टर बहुत अच्छा हो लेकिन अगर दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और उसी तरीके से शासक बहुत अच्छा हो, मंत्री बहुत अच्छे हों, सांसद विधायक बहुत अच्छे हों, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हों, लेकिन जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक समस्याओं का अस्थाई समाधान नहीं हो सकता। क्षणिक रूप से तो हो सकता है। हमारे शासक अमेरिका से खराब नहीं है, सिंगापुर से खराब नहीं है, फ्रांस से खराब नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के जो राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रधानमंत्री से अच्छे हैं, सिंगापुर के प्रधानमंत्री से अच्छे हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री से अच्छे हैं, चीन के प्रधानमंत्री से अच्छे हैं, लेकिन हमारी समस्याएं यथावत हैं, ज्यों की त्यों हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? भाई दो ही चीज हो सकती है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो दो ही कारण होता है, या तो दवा घटिया है या डॉक्टर खराब। अगर बीमारी, अगर आप कहीं इलाज कराते हो और बीमारी ठीक नहीं होती है तो आप क्या करते हो? लगातार वही दवा खाते रहते हो, लगातार उसी डॉक्टर को दिखाते रहते हो, या जब बीमारी ठीक नहीं होती तो डॉक्टर साहब कहते भाई देखो ये दवा खाने से बीमारी ठीक नहीं हो रही, फिर डॉक्टर क्या कहता है? दवा बदलता है। इसी तरीके से अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो हमें कानून बदल देना चाहिए। मैं बार बार इसको कह रहा हूं। और जो सबसे बड़ी समस्या है भारत की, जिसपे चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, हर चीज पे चर्चा हो रही है, मंदिर पे चर्चा हो रही है, लाउडस्पीकर पे चर्चा हो रही है, तीन तलाक पे चर्चा हो रही है, समान नागरिक संहिता पे चर्चा हो रही है, जनसंख्या सब 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 पे चर्चा हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही। भारत की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और विदेशी फंडिंग, सबसे बड़ी। ऐसा कोई देश विरोधी कार्य नहीं है जो बिना विदेशी फंडिंग के हो रहा है। हम विदेशी फंडिंग खत्म कर दें, माओवाद खत्म हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, विदेशी फंडिंग खत्म कर दें और भ्रष्टाचार खत्म कर दें, माओवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि माओवादियों की 100% फंडिंग या तो हवाला के जरिए विदेशों से हो रही है या FCRA के जरिए विदेशों से हो रही है। तो फंडिंग खत्म तो माओवाद खत्म। नक्सलियों की 100% फंडिंग कालाधन से हो रही है, हवाला से हो रही है, FCRA से हो रही है। अगर हम काला धन हवाला खत्म कर दें, FCRA खत्म कर दें, नक्सलवाद खत्म हो जाए। वहां पे पुलिस से मुठभेड़ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाएंगे। वो कहते नहीं, गैस की पाइप काट दीजिए, चूल्हा अपने आप बंद हो जाता। बिल्कुल वही हालत है। हम काला धन हवाला खत्म कर दें, विदेशी फंडिंग खत्म कर दें, अलगाववाद 50% तुरंत कम हो जाएगा। काला धन हवाला खत्म कर दें, भ्रष्टाचार खत्म कर दें, घुसपैठ तुरंत बंद हो जाएगी, तुरंत। ये फ्री में घुसपैठ नहीं होती है। बॉर्डर पे ड्यूटी लेने के लिए लोग सांसद विधायकों की सिफारिश लगा रहे हैं,
और जिसकी असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ड्यूटी लगती है वो मालामाल हो जाता है 2-3 साल के अंदर। कैसे मालामाल हो रहे हैं? गौ तस्करी करवाते हैं और लोगों को अंदर करवाते हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशियों से 2-3 हजार रुपए लेते हैं पर हेड, उनको अंदर करा देते हैं। अब एक मान लो एक परिवार में 5 आदमी है तो 10 हजार ले लिया एक परिवार से, 5 परिवार को अंदर करा दिया तो 50 हजार का काम हो गया। अब पर डे अगर 50 हजार रुपए मिल जाए तो फिर आप समझ लीजिए 2-3 साल में कितना बढ़िया पैसा हो जाएगा। स्थिति यह है कि जिसकी ड्यूटी लग रही है असम और बंगाल के बॉर्डर पे, 2-3 साल ड्यूटी करने के बाद या तो अपने गांव में जाके 10-20 बीघे जमीन खरीद रहे हैं या शहर में आके 2-4 बिस्सा जमीन खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं। ये सिचुएशन है। और वहां तो बॉर्डर पे तो घूस चल ही रही है, अंदर भी घूस चल रही है। घुसपैठिया घूस दे के आधार बनवा रहे हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवा रहे हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवा रहे हैं, घूस दे के बैंक में खाते खुलवा रहे हैं, घर घूस दे के पासपोर्ट बनवा ले रहे हैं और घूस दे के सरकारी मकान भी ले रहे हैं, मुफ्त की सारी योजनाएं ले रहे हैं, फ्री का राशन, फ्री का मकान, फ्री की दुकान, जो जितनी योजनाएं चल रही वो भी ले रहे हैं। घुसपैठिए तो अल्पसंख्यक बन के अपना अल्पसंख्यक वाला लाभ भी ले रहे हैं। ये जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं उसका बहुत बड़ा जो है हिस्सा घुसपैठियों के खाते में जा रहा है। ये है भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम। आप भ्रष्टाचार को खत्म करिए, केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, बेनामी संपत्ति को खत्म कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं देश विरोधी लेख जो आते रहते हैं अखबारों में बंद हो जाएंगे, देश विरोधी ट्वीट अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि देश विरोधी ट्वीट करने की फंडिंग हो रही है कालाधन हवाला से। कालाधन हवाला से फंडिंग खत्म कर दीजिए, मतलब भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, देश विरोधी ट्वीट बंद। भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, देश विरोधी लेख बंद। भ्रष्टाचार खत्म करिए, देश विरोधी जो फेसबुक पोस्ट होते हैं बंद। कालाधन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, अलगाववाद 50% कम। कालाधन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, नक्सलवाद खत्म, पूरा खत्म। कालाधन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, माओवाद बिल्कुल खत्म। कालाधन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, ये जो मजहबी उन्माद फैल रहा है ये 50% कम हो जाए। कालाधन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, विदेशी फंडिंग खत्म करिए, खालिस्तान का एकदम नामोनिशान मिट जाए, बचेगा ही नहीं खालिस्तान, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। विदेशी फंडिंग खत्म करिए, कालाधन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, मिशनरियों की कमर टूट जाएगी, मिशनरियां दुकान अपनी बंद करके भाग जाएंगी। मिशनरियां जितना काम कर रही हैं सब विदेशी फंडिंग से कर रही हैं। और विदेशी फंडिंग दो तरीके से आता है, एफसीआरए कानून और हवाला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश विरोधी जितनी भी, कालाधन हवाला खत्म करिए, भ्रष्टाचार, अपहरण की घटनाएं खत्म। कौन करेगा अपहरण? अपहरण कर भी लिया तो पैसा करेगा कैसे, खाएगा थोड़ी। अगर हम ऐसी व्यवस्था बना दें कि भाई 5000 रुपए से महंगे सामान आप कैश ले ही नहीं सकते हो, आपको एटीएम, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लेना है, तो जो आदमी अवैध धन कमाएगा वो खर्च ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो 5000 रुपए से कोई महंगा सामान खरीदेगा उसको एटीएम, पेटीएम, भीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे वो एटीएम, पेटीएम, भीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करेगा सरकार की नजर में आ जाएगा। तो कोई व्यक्ति जो कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई तनख्वाह नहीं है, वो इनकम टैक्स नहीं फाइल करता और महीने में अगर 50,000 की शॉपिंग कर रहा है तो सरकार की नजर में तुरंत आ जाएगा। बहुत आसान है इसको करना। भाई जो लोग नंबर दो का काम करते हैं, चाहे वो पैसा लेके फेसबुक पोस्ट लिखते हैं, पैसा लेके अखबारों में लेख लिखते हैं, या पैसा लेके ट्वीट करते हैं, या पैसा लेके धर्मांतरण करवा रहे हैं, या पैसा लेके माओवादियों को मदद कर रहे हैं, या पैसा लेके घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, ये घुसपैठियों का आधार बनाने वाले, राशन कार्ड बना लें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, आखिर पैसा लेते हैं करते क्या है? लग्जरी आइटम खरीदते हैं, महंगी कार खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, महंगा मोबाइल खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, यही तो करेंगे ना। जब ये हो गया कि 5000 रुपए से महंगा सामान कुछ आप खरीद ही नहीं सकते, कैश में चलेगा ही नहीं कैश, आपको या तो एटीएम यूज करना पड़ेगा, पेटीएम यूज करना पड़ेगा, भीम करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड करना पड़ेगा, तो आप उस पैसे को खाओगे थोड़ी, पैसा खर्च नहीं कर सकते। जब पैसा खर्च नहीं करोगे तो नंबर दो का काम क्यों करोगे? जब आप पैसा खर्च ही नहीं कर पाओगे तो स्वाभाविक सी बात है आप मजबूरी में, आपको कोई घूस देगा तब भी घूस नहीं लोगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए अपहरण बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए चोरी लूट झपटमारी बंद हो जाएगी। भाई बड़ी सीधी सी बात है, जो आदमी कुछ नहीं करता, मान लो वो मोबाइल चुराता है सबका, तो मोबाइल चुरा क्या करेगा? मोबाइल पैसा बेचेगा, मोबाइल बेचेगा ना चुरा चुरा के,
वो बेचेगा उसको पैसा मिलेगा, बड़ी स्वाभाविक से उस पैसे का क्या करेगा? जब वो 5,000 रुपए से महंगे सामान कुछ खरीदेगा, वो कैश में खरीद ही नहीं सकता, तो मान लो उसने 10,00,000 रुपए कैश इकट्ठा कर लिया, करेगा क्या? सनातन संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार, भारत और भारतीयता के लिए सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार। ये बात दुर्भाग्यवश हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया केवल उस पर चर्चा करना चाहती है जो ऊपर के राजनीतिक आका उनको कहते हैं चर्चा करो, इसलिए कभी वो जनहित के मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। जो पार्टी आलाकमान से उनको डायरेक्शन आता है, सरकारों से डायरेक्शन आता है, इस पर चर्चा करो, उसी पे करते हैं। हमारी मेन मीडिया कभी पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा नहीं कर रही है, जबकि पुलिस से इतने लोग परेशान हैं। हमारी मेन मीडिया कभी जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा नहीं कर रही है, जबकि अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं इनकी वजह से 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार परेशान है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में अगर 5 आदमी है तो 25 करोड़ लोग टेंशन में है, उस पर चर्चा नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून, घटिया कानूनों पर चर्चा ही नहीं होती। तो वो चर्चा कैसे होगी? वो चर्चा आपको ही करनी पड़ेगी, हमें ही करनी पड़ेगी। हमें आपको इस चर्चा को बढ़ाना पड़ेगा, हमें आपको इसको जन जागरण को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर चर्चा करेगी नहीं, प्रिंट मीडिया इस पर अखबार में लेख लिखा नहीं जाएगा भ्रष्टाचार के ऊपर, और कानून हमारा घटिया है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, अभी कुछ दिन पहले चीन में एक फैक्ट्री के मैनेजर ने घूस ले लिया था ठेकेदार से, फांसी दिया है, फांसी, विश्वास कर सकते हैं आप? अमेरिका में एक व्यक्ति ने 2 शर्ट चुराया था, 20 साल सजा हुई है, 2 शर्ट चुराने पे 20 साल सजा। ऐसे ऐसे देशों, मतलब दुनिया के देशों में फांसी दी जाती है भ्रष्टाचार करने पर, दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों का जीवन कारावास दिया जाता है, हम 20 साल से लेकर 50 साल का भी सजा का कानून नहीं बना रहे? हमारे यहां वही चल रहा है 3 से 7 साल। अब व्यवस्था ऐसी है सजा होगी नहीं। भारत को सबसे ज्यादा नेताओं और नौकरशाहों ने मिलकर लूटा, आप मुझे कोई एक नेता का बताइए जिसके 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो उसको 20 साल 50 साल सजा हुई है, कोई एग्जांपल आपको? इतना बड़ा घोटाला हो गया 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी को आजीवन कारावास हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, न किसी को आजीवन कारावास हुआ, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, न किसी को आजीवन कारावास हुआ, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं केवल अच्छी बातें करके और भ्रष्टाचार की चर्चा करके भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, और जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको भारत की एक भी समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, काला धन खत्म नहीं होगा, घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक विदेशी फंड, ये अपना जो घुसपैठ हो रही है विदेशी घुसपैठ, ये बंद नहीं होगी। जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, नक्सलवाद माओवाद खत्म नहीं होगा, जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ये अपना अलगाववाद कम नहीं होगा, जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, सड़कों पे जो अवैध निर्माण हो रहे हैं ये बंद नहीं होगा, जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, तब तक खालिस्तान खत्म नहीं होगा, जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक PFI मजबूत होता रहेगा। PFI बहुत मजबूत हो चुका है पूरे भारत में, पूरे भारत में उसने अपनी ब्रांचेस खोल लिया है। इन संगठनों का एक ही इलाज है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाएं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोग बोले तो चलो, नहीं बोलते समझ में आता, जो लोग हिंदुओं की बात करते हैं सुबह से लेकर शाम तक वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते रहते हैं, और उनको ऐसे लगता है उनको बड़ी चिंता है सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, वो भी नहीं बोल रहे, ऐसे लगता है उनको भी कहीं कहीं विदेशी फंडिंग हो रही है इसलिए विदेशी फंडिंग के खिलाफ नहीं बोल रहे। कई बार तो ऐसा लगता है अगर वो चुप है इसका मतलब उनको हवाला से फंडिंग हो रही है। अगर सनातन धर्म की बात करने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन है तो सीधा सा मतलब है उनको FCRA से विदेशी फंडिंग आ रही है। सनातन धर्म की बात करने वाले अगर हवाला के खिलाफ चुप है इसका मतलब उनको विदेशों से हवाला की फंडिंग हो रही है। सनातन की बात करने वाले अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब देश में जो काला धन पैदा हो रहा है वो भी उसके हिस्सेदार है, वो उसको उसका लाभ वो भी ले रहे हैं। अदरवाइज जहां सारी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का मूल कारण घटिया कानून है,
घटिया व्यवस्था है, फिर ये मौन कैसे है? सनातन की बात करने वाले प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने की मांग क्यों नहीं कर रहे? सनातन की बात करने वाले घुसपैठियों को और घूसखोरों को आजीवन कारावास के लिए कानून की मांग क्यों नहीं कर रहे? सनातन धर्म की बात करने वाले काला धन के खिलाफ, बेनामी संपत्ति के खिलाफ फांसी देने का कानून की मांग क्यों नहीं कर रहे? क्या वो भी लाभार्थी हैं इसके? ये तो वही जाने, लेकिन आप लोग इस पे सवाल खड़ा करिए। मैं तो आप ही लोगों से कह सकता हूं और आप ही लोग इस विषय को आगे, इसको विमर्श को खड़ा कर सकते हैं। जब तक विमर्श नहीं खड़ा होगा तब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। हम फ्रांस से राफेल खरीद लेते हैं, फ्रांस के अच्छे कानून क्यों नहीं ले लेते? राफेल खरीदने में पैसा खर्च होता है, फ्रांस का कानून लेने में एक पैसा नहीं लगेगा। अमेरिका से हजारों करोड़ का सामान खरीदते हैं, राइफल खरीदते हैं, क्या क्या नहीं खरीदते, क्यों नहीं हम अमेरिका का जो जुडिशियल सिस्टम है, पुलिस सिस्टम, उसको ले लेते हैं? अमेरिका का भ्रष्टाचार विरोधी कानून हम क्यों नहीं ले लेते? सिंगापुर से दुनिया भर चीज लेते हैं, सिंगापुर का हम कानून क्यों नहीं ले लेते?